पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के कथित रेप और उत्पीड़न के मामले पर हंगामा बरपा है। बीजेपी लगातार टीएमसी को निशाने पर लिए हुए है। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि एक आरोपी मंत्री अब तक फरार कैसे है, उसे पुलिस अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई है, एक आदमी की वजह से इतना बड़ा मामला खड़ा हो गया है, सरकार उसका समर्थन नहीं कर सकती है। इसके साथ ही बेंच ने दो विपक्षी नेताओं को संदेश खाली जाने की इजाजत दी। दरअसल संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोपी शेख शाहजहां 5 जनवरी से फरार है। शुरू से शुरू करते हैं कि आखिरकार ये मामला कब और कैसे शुरू हुआ। 5 जनवरी की बात है, पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले में ईडी की एक टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के नॉर्थ 24 परगना पर छापेमारी करने गई। इस दौरान ईडी अफसरों की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई। आरोप शाहजहां शेख के समर्थकों पर लगा। इसके बाद से शाहजहां शेख फरार है। 8 फरवरी को संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने शाहजहां और समर्थकों पर जुल्म ढाने और जबरन जमीन कब्जाने जैसे इल्जाम लगाए। नौ फरवरी को प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां समर्थक हाजरा के मालिकाना वाले 3 पोल्ट्री फार्म जला दिए। महिलाओं का दावा था कि वो स्थानीय गांव वालों से जबरन छीनी गई जमीन पर बने थे। महिलाओं का आरोप है कि टीएमसी के लोग गांव में घर घर जाकर सर्वे करते हैं, घर में कोई सुंदर महिला या लड़की या जवान पत्नी दिखती है तो वो उसे पार्टी ऑफिस ले जाते हैं, महिला को कई रातों तक वहां रखा जाता है। 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान आता है। वो कहते हैं ये सभ्य समाज में होने वाली सबसे बुरी घटना है, सरकार को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। 12 फरवरी को राज्यपाल ने घटनास्थल का दौरा किया और महिलाओं से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से कहा, जब मैंने माओ और बहनों की बातें सुनी तो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर यह भी हो सकता है। 13 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस ने घटना पर स्वतः संज्ञान लिया और सरकार को एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और बालूर घाट सांसद सुकान मजूमदार संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मिलने जा रहे थे। बशीरहाट पुलिस ने उन्हें 30 किलोमीटर पहले ताकी के एक गेस्ट हाउस में ही रोक दिया। 14 फरवरी को सुकान मजूमदार एक बार फिर संदेश खाली जाने के लिए अड़ गए। पुलिस ने उन्हें रोका। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सुकांत घायल हो गए और उन्हें कोलकाता में भर्ती कराया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी और शाहजहां और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग की। 15 फरवरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर और मेंबर अंजू बाला ने संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। 15 फरवरी को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जाने के लिए अड़ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। शुभेंदु ने यहां आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें जूतों से पीटा है। हालांकि आज वो संदेश खाली पहुंच चुके हैं। 19 फरवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा संदेश खाली का दौरा करती हैं और पीड़ित महिलाओं से मिलने के बाद कहती हैं कि मुझे लगता है उनको, यानी कि ममता बनर्जी को, रिजाइन कर देना चाहिए और बिना एक पोस्ट के अगर वो यहां आए तो महिलाओं का दर्द समझ पाएंगी। इससे पहले मैंने इतना दर्द कहीं नहीं देखा। इतना सब होने के बाद ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और विधानसभा में कहा, संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है, वहां 7-8 साल पहले भी दंगे हुए थे। तनाव पैदा करने की भयानक साजिश चल रही है। गलत काम में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मामले में अब तक 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ये थी संदेश खाली की अब तक की कहानी। बाकी अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।